नमस्कार, एसटीवी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। बालोदा बाजार के तहसील कसडोल विकास खंड कसडोल नगर में पिछले 10 दिनों से भीषण गर्मी व धूप के बावजूद मानदेय बढ़ाने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर विकास खंड कसडोल के 500 मितानिनों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे हुए हैं। आज आंदोलन के दौरान मितानिनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में मितानी ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ शामिल है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने धरना स्थल पर पहुंचकर मितानिनों को इस आंदोलन का समर्थन किया। राज्य केंद्र के भाजपा सरकार से किसान मजदूर आम जनता व्यापारी कर्मचारी सभी वर्ग के लोग त्रस्त हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों से पूरे प्रदेश में मितानिनों बहनें अपनी जायजा मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इन भीषण गर्मी के बावजूद भी इससे भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका परिचय? राधा साहब, मैं एमपी हूँ, ब्लॉक कसडोल है, जिला बलौदा बाजार है। ये प्रदेश स्तरीय मितानिन संघ में जो अभी कसडोल विकासखंड में हड़ताल चल रहा है आप लोग का, इसमें अभी तक क्या, आज 9वां दिन है, इसके संबंध में क्या है आपका लोग का, क्या बोल रहे? 10वां दिन है। 10वां दिन है, हाँ। तो अभी तक आप लोग का मांग अभी पूरा नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, कुछ आगे नहीं है। कुछ सुनवाई नहीं है, हाँ। आगे आप लोग का क्या विचार है? आगे और रायपुर हड़ताल में जाएंगे। और शासन द्वारा इसके संबंध में क्या कोई अधिकारी आए थे उसके संबंध में जानकारी? कोई अधिकारी नहीं आया। अभी तक आप लोग का मेन मुद्दा क्या है आप लोग सरकार? 3 सूत्र मांग है, जो दवा में पैसा देते हैं उसको हर महीना मिलना चाहिए और 100% अनुदान मिलना चाहिए और डीसी एसपीएस एमटी सब को अनुदान मिलना चाहिए। ये 3 सूत्र मांग है। वीडियो बंद कर। जो ये रमन सरकार है बहुत ही दुबला सरकार है, जो कि हर वर्ग हर कर्मचारी का शोषण करने वाली सरकार है ये। और अभी तक की किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, ना मुआवजा दिया है, ना किसी कर्मचारी को अपने ध्यान में ले रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो एकदम बिगड़ा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था ही जीरो है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, पेंशन की बहुत बड़ी समस्या है गाँव में। गांव अभी तक बिछड़ा हुआ है। 14 साल में रमन सरकार कुछ नहीं किया है, बस विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और जनता का पैसा को उड़ा रहे हैं, पूरे गांव में घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। विकास की बातें तो बहुत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता के पैसे को भी दुरुपयोग कर रहे हैं। जो अपने देश में जो व्यवस्था हो रही है वो अभी भी जीरो व्यवस्था चल रही है। नेता लोग आ गए हैं नेतागिरी करने के लिए, लेकिन जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसके टांग खींच रहे हैं। ये व्यवस्था है अपने देश का। मितानिन के संबंध में क्या बोलना चाहेंगे दोस्तों? मितानिन दीदियों लोग का जो भी मांग है उनको पूरा करना चाहिए सरकार को। ये छोटी मांग है, मतलब रोजी रोटी का सवाल है। 2016 से इन लोग का वेतन नहीं मिला है। सरकार को देखना चाहिए और सोचना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है अभी छत्तीसगढ़ में और इन लोग का मांग भी पूरा करना चाहिए सरकार को, तत्काल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इनका मांग पूरा नहीं होगा तो इन लोग सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, रमन सरकार को। धन्यवाद।